नहीं तो कोई और आएगा। अगर मेरा इतना ही कुर्बानी, इतने करोड़ लोग है कि अगर सेफ्टी और सिक्योरिटी देखा जाए तो बहुत कम है, तो वहाँ जो जो भी डिफेंस पर्सन रहते हैं बहुत लाइफ बहुत टफ होती है। जैसे आप सर्दी में यहाँ पर हैं बहुत कंफर्ट है, वहाँ 37-25 डिग्री माइनस टेम्परेचर में है, आप सिर्फ पैर रख के उधर आइस जम जाता है अपने आप, वहाँ पर या तो हाथ कटेगा या पैर कटेगा, सड़ जाता है। एक एक हफ्ते में रोटेट करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन भी वहाँ कम हो जाता है, नॉर्मल नहीं रहता, दिमाग काम करना भी बंद कर देता, बिकॉज ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, तो कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ याद करते हैं कि दिन कट जाए, मेरा दिन कट जाए, बहुत टफ टाइम होता है। आप अंदाज भी नहीं कर सकते वहाँ पर कि इतने टफ वक्त में एक सिपाही, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, वो गुजारता है। जो बच के आ जाता है वो आपके सामने खड़ा है, जो बच के नहीं आता है वो शहीद हो जाते हैं। हम लोग के सामने बहुत सारे ऐसे शहीद हो गए। तो मैं सबको बोलता हूँ कि डिफेंस के लिए जरूर जाओ, या डिफेंस में जरूर अपना टाइम दो, और गवर्नमेंट को भी हम लोग बोलते हैं कि आप अगर बताने की जरूरत है कि कम से कम 5 इयर्स डिफेंस में देना बहुत जरूरी है, तभी वो सही से देशभक्ति निकल के आता है कि हम देश के लिए कुछ किए हैं, कम से कम अपनी जिंदगी का 5 साल देश को दिए हैं। सिर्फ यहाँ बैठे जो नेता लोग और बाकी लोग जो उसके सपोर्टर हैं, बकवासबाजी करते हैं कि हम देश के लिए जान दे रहे हैं, अगर उनको एक दिन के लिए भी भेजा जाए तो वो नहीं जाएंगे, वो नहीं जाएंगे, वो नहीं जाएंगे, क्योंकि वो उसको सिर्फ बोलना होता है, करना नहीं होता, इसलिए ये काम बहुत आसान है। हाँ, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप सब अभी गर्ल्स भी और बॉयज दोनों को परमिटेड है, दोनों जा सकते हैं अपना देश के लिए, कम से कम जो कुछ साल है, 15 साल 20 साल, है ना, नेवी में अलग अलग ईयर्स है, कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो आप दीजिए, और उससे आपके अंदर एक डिसिप्लिन जो क्रिएट होता है और एक पेट्रियोटिज्म क्रिएट होता है, वो दिखाने वाला नहीं होता है, वो रियल होता है, और ये गाने के तौर पर रियली ऐसा ही है, ऐसा ही फील करते हैं। मैं आपको शेयर भी किया हूँ कि हम लोग एक एक दिन कैसे काटे हैं, क्या रन ऑफ कच्छ में हो, या श्रीनगर के वो माइनस डिग्री टेम्परेचर में हो, या फिर ऐसा ऐसा सिचुएशन है जहाँ आपके सामने खाना है, जहाँ आपके सामने सब कुछ पड़ा है, बट आप खा नहीं सकते हैं क्योंकि आपको जहाज पकड़ना है या कहीं जाना है या निकलना है। उस वक्त ऐसा लगता है कि हम ऐसा महसूस करते हैं कि छोड़ो ये और चलो घर, ऐसा दिमाग में भी आता है, क्योंकि है तो इंसान ही, दिमाग में आता है कि छोड़ो ये कौन करेगा नौकरी, ये हमसे नहीं हो पाएगा। जब सामने गोली भी होती है ना तो भी ऐसा लगता है कि उस वक्त फिर ऐसे नहीं सोचते, उस वक्त सोचते कि नहीं, हमको देश की रक्षा करना है, हमको बचना है, हमको बचाना है। अलग अलग फौज है, अलग अलग तरीके से सोचती है, मेरा तो ये होता है कि हम देश के लिए जान नहीं देंगे, जान आगे वाले का ले लेंगे, मेरा अप्रोच ही होता है। कभी भी हम मरने के बारे में नहीं सोचते, दुश्मन को मारने के बारे में जरूर सोचते हैं, और वो मेरा हैबिट में भी आ गया, कोई आदमी हमको अटैक भी करेगा ना तो हमको डर नहीं लगेगा, अगर किसी को हमको जवाब भी करना हो तो भी हमको डर नहीं लगेगा, बिकॉज मौत को बहुत नजदीक से हमने देखा, मरते भी देखा और उसको मरने के बाद जिंदा होते भी देखा, तो हम लोग को डर नहीं है। एक फौजी जो है बहुत टफ लाइफ, बहुत हर दौर से गुजरता है, तो उनको सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, क्योंकि अपना प्राइम टाइम 18 साल की उम्र से लेके 30 साल की उम्र तक जो एज है वो बहुत एकदम प्राइम है, जिसमें आप लोग इंजॉय है, जिसमें सब आप लोग उस एज में है, अभी कितना इंजॉय कर रहे हैं उस एज में, वहां जाके ड्यूटी करना, आप सोच सकते हैं कि पेमेंट वहां मैटर नहीं करता, फिर वहां पर आपको रात दिन एक करके, क्या 12 बजे आ रहा था, क्या 4 बजे का सुबह हुआ, कुछ पता नहीं चलता, सिर्फ ड्यूटी करना है और ड्यूटी करना है, और वही कंट्रीब्यूशन जो है आपको जिंदगी भर बहुत आगे लेके जाता है, नहीं हमने देश में कर दिया है। तो हम चाहेंगे कि मेरे जो स्टूडेंट हैं उसके भाई बहन हैं, जरूर उनको
आगे भेजो, डिफेंस के लिए तैयार करो। और इसी बेसिस पर हमने देखा कि नहीं, हमको खुद तो किया ही हमने, और इसी के बेसिस पर हम अपना एक स्कूल भी खोल रहे हैं जिसका नाम है गैप डिफेंस स्कूल। और उसी को बचपन से ही हमको एकदम टफ बनाना है। जैसे आपको बोल देंगे कि यहाँ से तुम बरौनी जाओ, सर कैसे जाएंगे, कैसे का बात आने नहीं चाहिए, सर जाना कैसे है, ये जवाब होनी चाहिए। जाना कैसे है, ट्रेन से, बस से या पैदल, कैसे जाएंगे, आना ही नहीं चाहिए। तो बचपन उसको हम तैयार कर देंगे कि नर्सरी क्लास से लेकर क्लास 12 तक आते आते वो बच्चा इतना हो जाए कि लाइफ स्किल ट्रेनिंग हो जाए, हर काम के लिए वो तैयार हो जाए, मेंटली एकदम एक्टिव, फिजिकली रोबस्ट, कि कोई भी काम दे दो, कुछ भी कर दो, कहीं जाना पड़े ऐसे तैयार होना चाहिए। उससे क्या होगा, मेरा सोसाइटी एक तो फिजिकली मजबूत होगा, मेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और इसी तरह से एक डेवलपमेंट होगा। मेरी छोटी सी शुरुआत है, हम तो चाह रहे हैं कि 10 स्कूल नहीं, 100 स्कूल कटिहार में और खुल जाए, और ऐसे लोगों को कंट्रीब्यूट करके और आगे भेजे, और उनके दिमाग में बचपन से मेरा एक सोच है, जैसे मेरे बच्चे हैं, अयान है, मारिया है, मैं वही आटा खिलाया, वही सब कुछ कर रहा हूँ, मगर इनके दिमाग में एकदम फिट है कि इफ आई एम गोइंग टू सेलेक्ट एनी वेयर आई मस्ट बी एन ऑफिसर। मैं ऑफिसर ही हूँ, मैं पैदा हुआ लीडर बनने के लिए। लीडर मीन्स लीड करना है, मुझे पीछे नहीं जाना है, मुझे आगे से लीड करना है, मुझे आगे ही रहना है। तो मेरा एक सपना है कि हर बच्चा ये सोचे कि मुझे आगे से ही करना है, सबका आगे से करना मीन्स हम आगे बढ़े और सब लोग मेरे पीछे पीछे आए, सबको तैयार करना था। उसी बेसिस पर मेरा एक स्कूल खुल रहा है, जीडीएस कैप डिफेंस स्कूल, आप सब जाएंगे वहां पर, और बहुत जल्दी ऑफिस का इनॉग्रेशन एडमिशन स्टार्ट होगा, ठीक है। उसी के ऊपर मेरा काम अभी चल रहा है, इसलिए मैं भी आपका क्लास कम ले पाता हूँ, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा काम है, सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा काम है, जहाँ से बच्चे आपको ऑफिसर निकलेंगे, चाहे वो डिफेंस ऑफिसर हो, आईएएस ऑफिसर हो, डॉक्टर भी बने तो काम का डॉक्टर बने, सिर्फ इलाज करने वाला नहीं, काम करने सोसाइटी के लिए भी कुछ करता है वो, है ना। इन ह्यूमन बिहेवियर नहीं, ह्यूमन बनाना है, आदमी बनाना, इंसान बना, अच्छा नागरिक बनाना, तो ये सब क्वालिटी उसके अंदर बचपन से कर सकते हैं। आप लोग तो बड़े हो गए हैं, तो हमको थोड़ा सा अभी टाइम लगता है सेट करने में, सेट करवाने में, अप्रोच को चेंज करने में, मगर बचपन से मैं अगर करूँगा शायद वो मेरे लिए आसान होगा। इसलिए नर्सरी क्लास के बच्चों को ज़्यादा मैं फोकस करूँगा, बशर्ते क्लास 9-10 के, वो ऑलरेडी कुछ सीख जाते हैं। तो मेरा एकदम फोकस है नर्सरी क्लास, क्लास 5, 2nd, 3rd, 5th, 6th, 7th, 8th तक बिल्कुल ग्राउंड होना हो जाते हैं। उस एज को एकदम सही से रिसोर्स को यूज करना है। 8th के बाद अगर बच्चा लाइन में पकड़ लिया तो फिर वो उसको पीछे मुड़ के नहीं देखने की जरूरत है, हर जगह कामयाबी, क्योंकि बाय द टाइम जितना भी टैलेंट है वो एक्सप्लोर हो जाता है, या जो भी स्किल्स है वो बिल्कुल एक्सप्लोर हो जाता है, वो काम के लायक हो जाता है। फिर सोचना नहीं कि हमको रेलवे का तैयारी करना है, हमको आईएएस का तैयारी करना है, हमको ये का तैयारी, सिर्फ करना क्या है और उसमें आगे निकल जाना है, अपने वक्त को यूज करना है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, मैं चाहता हूँ ऐसे